हेलो एवरीवन एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर तो फ्रेंड्स जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो आज हम डिस्कस करेंगे मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने आपको आगामी एच पी यू बी एड एंट्रांस दो हज़ार तेईस के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे तो फ्रेंड्स आपने क्या करना है इन क्वेश्चन के शॉर्ट फॉर्म में भी नोट्स जरूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे अगर आप एच पी यू बी एड एंट्रांस दो हज़ार तेईस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्ले लिस्ट नवाई है जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आप वहाँ पर जाकर वीडियोज़ देख सकते हो वहाँ पर आपको एच पी बी एड एंट्रांस के रिलेटेड फिफ्टी प्लस वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी वहाँ पर आपको नेशनल कमीशनस एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड एच पी जी के जी के हिंदी इंग्लिश सभी सेक्शन की वीडियोज़ आपको वहाँ देख देखने को मिलेंगी तो फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं संख्या पद्धति के बारे में नंबर सिस्टम के बारे में इनको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक संख्याएँ कौन सी होती हैं तो प्राकृतिक संख्याएँ जिन्हें इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स कहा जाता है तो नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं जो जो संख्याएं एक से शुरू होती है कहाँ से वन से स्टार्ट होती हैं तो उन्हें वो नेचुरल नंबर कहा जाता है कहाँ तक होती हैं ये इन इनडिफाइंड यानी कि ये कहाँ तक है वन जो संख्याएं एक से शुरू होती हैं और ख़त्म कहाँ होती है इन्फिनी जिनका कोई अंत ना हो वो कौन सी संख्याएं होती है प्राकृतिक संख्याएं होती हैं नेचुरल नंबर्स होती है नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होते हैं उसी तरह अगला है होल नंबर्स कौन से होते हैं जिन्हें पूर्ण संख्याएँ कहा जाता है तो आपने याद रखना है पूर्ण संख्याएँ जो होती हैं वो शून्य से स्टार्ट होती है ज़ीरो से स्टार्ट होती है जीरो वन टू थ्री फोर ये आपने याद रखना है जो संख्याएँ शून्य से शुरू होती हैं वो आपकी पूर्ण संख्याएँ होती हैं होल नंबर्स होते हैं और जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो एक से स्टार्ट होते हैं प्राकृतिक संख्याएं उसी तरह अगला है पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं इंटीजर्स कौन से होते हैं तो आपने याद रखना है जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव की जो भी संख्याएं होंगी वो आपकी इंटीजर्स कहलाते हैं जैसे एग्जाम्पल के तौर पर थ्री माइनस टू फोर माइनस एट तो वो कौन से होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है उन्हें इंटीजर्स कहा जाता है धनात्मक एवं ऋणात्मक चिन्हों पर आधारित पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को पूर्णांक संख्याएं कहा जाता है तो ये आपने याद रखना है कि जिस संख्या के साथ कोई भी साइन ना लगा हो यानी कि मान लो यहाँ पे ये थ्री है थ्री के साथ कोई भी साइन नहीं है तो वो कौन सी संख्या होती है वो प्लस की होती है पॉजिटिव नंबर होता है वो आपने याद रखना है उसी तरह नेक्स्ट है नेक्स्ट पे चलते हैं उसमें बोला गया कि सम संख्याएं कौन सी होती है सम संख्याएं इवन नंबर जिन्हें कहा जाता है तो कोई भी संख्या अगर वो दो से विभाजित है जो दो से डिविजिबल है वो आपकी सम संख्याएं कहलाती हैं ये आपने याद रखना है इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं टू फोर सिक्स एट एटसेट्रा ये जो हैं वो आपकी कौन सी संख्याएं होती है वो आपकी इवन नंबर्स जो उन्हें कहा जाता है सम संख्याएं कहा जाता है एक इसके लिए एक आपने एक और बात याद रखनी है जिस भी संख्या का लास्ट डिजिट यानी कि लास्ट डिजिट जो हो अगर आपका ज़ीरो टू फोर सिक्स एट हो ज़ीरो टू फोर सिक्स एट हो लास्ट डिजिट तो वो संख्या कौन सी होगी वो आपकी इवन संख्या even हो इवन नंबर होगी सम संख्या होगी उसी तरह बात करते हैं विषम संख्याएं कौन सी होती हैं विषम संख्याएं जो होती हैं ओड नंबर्स कौन से होते हैं जो संख्याएं दो से विभाजित नहीं होती हैं वे आपकी विषम संख्याएं होती हैं जैसे एक तीन पाँच सात नौ ग्यारह ये जो हैं वो आपकी कौन सी संख्याएं हैं ये विषम संख्याएं हैं ओड नंबर्स हैं ये आपने याद रखना है अगर जिस भी किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर एक तीन पाँच सात नौ लास्ट डिजिट क्या हो एक तीन पाँच सात नौ हो तो वो संख्या आपकी कौन सी संख्या होगी वो ऑड नंबर होगी आपने याद रखना है ये मैं आपको साथ में कुछ ट्रिक्स भी बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट भी बता रहा हूँ तो जिसका भी जिस संख्या का भी लास्ट डिजिट वन थ्री फाइव सेवन नाइन हो तो वो आपकी वो आपकी नंबर्स नंबर होगा उसके बाद बात करते हैं कॉम्पोजिट नंबर कौन से होते हैं तो कॉम्पोजिट नंबर जिन्हें यौगिक संख्याएं कहा जाता है तो एक से बड़ी वैसी संख्याओं के समुच्चय जिसके सदस्य संख्या का दो या दो से अधिक घटक होते हैं यानी कि जिन भी संख्या के दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो आपकी कॉम्पोजिट नंबर कहलाती हैं जैसे फोर सिक्स एट नाइन टेन ट्वेल्व फिफ्टीन तो आपने एक बात और याद रखनी है स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर कौन है स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर कौन है ये या आपने याद न, याद रखना है तो स्मॉलेस्ट जो कॉम्पोजिट नंबर है वो चार है ये या आपने याद रखना है एग्जाम में पूछ सकते हैं स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर कौन सा है चार है उसी तरह बात करते हैं प्राइम नंबर्स के बारे में बात करते हैं प्राइम नंबर जो हैं वो भी आपसे पूछ पूछा जा सकता है प्राइम नंबर जो होते हैं वे प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं एक वो उनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं एक वो खुद और एक वन ये आपने याद रखना है और सबसे छोटा जो कॉम्पोजिट प्राइम नंबर है वो कौन सा है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है वो आपका टू है ये आपने याद रखना है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है वो टू है और स्मोलेस्ट कम्पोजिट नंबर कौन सा बताया मैंने आपको वो आपको चार बताया ये आपने याद रखना है एक बात और आपने याद रखनी है कि सिर्फ टू को छोड़कर सिर्फ टू ही एक ऐसा इवन प्राइम नंबर है और जितने भी टू को छोड़कर जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे वो सभी ओड होंगे विषम होंगे ये आपने याद रखना है तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है वो आपका टू है टू को छोड़कर सारे जितने भी नंबर होंगे वो सारे ओड नंबर होंगे तो टू ही एक इवन प्राइम नंबर है उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं जहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है जैसे बोला गया है कि लगातार एन तक की प्राकृतिक संख्याओं का जो जोड़ है उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है वो एन इन टू एन प्लस वन अपन टू है तो जैसे मान लो क्वेश्चन पूछा जाता है कि लगातार यानी कि दस तक की प्राकृतिक संख्याओं का जो जोड़ होगा वो कितना होगा जैसे एग्जाम में मैंने पूछा पूछा गया कि लगातार दस तक की मान लो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ये दस संख्याएं हैं इन सभी संख्याओं का योग कितना होगा तो आपने वहाँ पर कैलकुलेट करने नहीं बैठना है प्लस करने नहीं बैठना है आपने डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज़ करना है बोला गया है कि एक से दस तक की सभी प्राकृतिक संख्या का जोड़ कितना होगा तो एन की जो वैल्यू लेनी है अगर क्वेश्चन में बोला कि दस तक तो एन की वैल्यू आपने दस लेनी है वहाँ पर आपने एन की जगह दस वैल्यू पुट कर देनी है और दस प्लस वन हो जाएगा अपॉन में टू उसी तरह टेन इंटू ये हो गया प्लस ओपॉन वे टू जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका वन मल्टीप्लाई हो जाएगा वन हंड्रेड टेन आ जाएगा डिवाइडेड बाय टू तो फिफ्टी फाइव जो होगा वो आपका आंसर होगा जो बोला गया है कि जैसे एक से दस तक दस तक लगातार दस तक की प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ कितना होगा वो पचपन होगा ये आपने याद रखना है जैसे मान लो एग्जाम में बोला है कि दस तक तो पहली दस मान लो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस तक इन सभी संख, प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा वो पचपन ही होगा आपने वहाँ पर प्लस एग्जाम में प्लस करने नहीं बैठना है आपने डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज़ करना है यहाँ पर आपने यानी कि वैल्यू दस डाल टेन डाल लेनी है और बस फॉर्मूले में पुट कर देनी तो आपका आंसर आ जाएगा फिफ्टी फाइव उसके बाद हम बात करते हैं लगातार एन तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग वर्ग आपको पता होगा स्क्वेयर्स आपको पता होगा जैसे बोला है कि जैसे लगातार एन तक दस तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग तो ए, अगर बोला है कि दस तक तो आपने एन की वैल्यू वहाँ पर दस लेनी है तो मान लो तो आपने क्या करना है फॉर्मूला ये है एन इं टू एन प्लस वन इन टू टू एन प्लस वन आपने ये आपने याद रखना है ये फॉर्मूला आपने नोट भी कर लेने हैं बस यहाँ पर आपने एन की वैल्यू दस डाल देनी है आपका आंसर आ जाएगा थ्री तो एटी फाइव जो होगा वो आपका आंसर होगा ये आप समझ ही गए होंगे नेक्स्ट पे चलते हैं लगातार एक्स तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग घन आपको पता है क्यू जैसे किसी भी संख्या को तीन बार गुना किया जाता है तो उसका घन होगा जैसे टू दो का घन कितना होगा तो आपको पता होगा टू इंटू टू इंटू टू 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 जो फोर फोर टू जो एट तो ये जो होगा वो आपका घन होगा घन इसे कहा जाता है तो लगातार एक्स तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का जो योग होता है इसका फॉर्मूला होता है एन इन टू एन, एन प्लस वन का स्क्वेयर ओपॉन टू और होल स्क्र ये आपने याद रखना है उसी तरह अगला है लगातार एक्स तक की प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ कितना होता है तो लगातार एक्स तक की प्राकृतिक संख्याओं का जो जोड़ होता है वो एक्स इंटू एक्स प्लस वन होता है ये भी आपने नोट डाउन कर लेना है काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगला है लगातार एन तक की प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है वो कितना होता है तो वो एन प्लस वन ओपन टू का होल स्केयर होता है ये भी आपने याद रखना है अगर क्वेश्चन में बोला गया कि लगातार ग्यारह तक, तक की ग्यारह तक की मालूम मैं बोल रहा हूँ कि आपने ग्यार ग्यारह तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है तो आपने क्या करना है एन की वैल्यू जो है वो ग्यारह डाल देनी है जैसे ग्यारह प्लस एक ओपन दो और पूरे का होल स्केयर तो आपने कर देना है इसका बारह का स्क्वायर कितना होता है बारह का स्क्वायर जैसे बारह का स्क्वायर जो होगा वो एक सौ चौतालीस होगा दो का स्क्वायर जो होगा वो कितना होगा वो चार होगा और जब डिवाइड कर देंगे फोर थ्री सा ट्वेल्व टू बच गया और फोर सिक्स जहाँ ट्वेंटी फोर तो ये आपका छत्तीस जो होगा वो आपका आंसर होगा ये भी आपने याद रखना है ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और तो उसके बाद हम बात करते हैं सिंपलीफिकेशन तो आपने सुना ही होगा सिंपलीफिकेशन में क्या होता है बी बोर्ड मास का रूल हम फॉलो करते हैं बी बोर्ड मास जो होता है ये आपने याद रखना है बी बोर्ड मास अगर मैंने ये लिख दिया तो ये आपने लेफ्ट टू राइट ही करना है लेफ्ट टू राइट ही सॉल्व करना है यानी कि सबसे पहले आपने क्या करना है सबसे पहले आपने बिलकुलम यानी कि जो बार लगा होता है उसको सॉल्व करना है उसके बाद ब्रैकेट को सॉल्व करना है उसके बाद ऑफ को उसके बाद डिवीज़न को उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को उसके बाद एडिशन को और लास्ट में सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करना होता है ये आपने याद रखना है तो मान लो कोई भी क्वेश्चन आपको जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लेता हूँ मैं तो ये आपने जब रूल फॉलो करना है तो लेफ़्ट टू तो राइट ही चलना है सबसे पहले आपने विनकुलम यानी कि बार को सॉल्व करना है उसके बाद ब्रैकेट्स को उसके बाद ऑफ को उसके बाद डिवीज़न को उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को उसके बाद एडिशन को लास्ट में सब्ट्रैक्शन को आपने सॉल्व करना है जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं क्वेश्चन लेता हूँ जैसे ट्वेंटी फ़ोर डिवाइडेड बाई टू प्लस टू प्लस एट माइनस सेवन तो इसका आंसर क्या होगा इस टाइप के अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपने ये एक बात याद रखनी है वी वोड मास का हमने रू, रूल अभी पता किया डिस्कस किया तो वी बोर्ड अब यहाँ पर कौन कौन से हमारे पास साइन है डिवीज़न है एडिशन है और सबट्रैक्शन है ये आपने ध्यान देना है क्या क्या है डिवीज़न है, है एडिशन है और सबट्रैक्शन है अब देखना है आपने वी वोड मास में वोड मास में सबसे पहले कौन सी कौन सा कौन सी चीज़ पहले आती है कौन से साइन पहले आते हैं तो आपको पता है डिवीज़न बोर्ड मास में क्या आता है सबसे पहले बोर्ड मास में सबसे पहले आप यहाँ ध्यान देना है आपने यहाँ पे क्या आ रहा है यहाँ पे डिवीज़न है तो सबसे पहले हम डिवीज़न को सॉल्व करेंगे ट्वेंटी फोर को जब मैंने टू से डिवाइड किया तो मेरे पास कितना आ जाएगा मेरे पास आ गया ट्वेल्व अब मेरे पास बचा है एट माइनस सेवन ठीक है अब मैंने डिवीज़न को तो सोल्व कर दिया क्योंकि बोर्ड मास में पहले डिवीज़न आता है अब मेरे पास सिर्फ बचे हैं प्लस और माइनस एडिशन और सब्ट्रैक्शन बची है अब आप ध्यान दो कि आप बोर्ड मास में पहले एडिशन आती है कि सब्ट्रैक्शन आती है तो आपको पता है सबसे पहले एडिशन आती है तो हम क्या कर देंगे ट्वेल्व और ट्वेंट एट को ऐड कर देंगे ट्वेल्व और एट को जब ऐड किया तो कितना हो गया ट्वेंटी हो गया माइनस सेवन अब लास्ट में एडिशन तो हमने कर ली अब ये साइन भी ख़त्म हो गया अब ट्वेंटी माइनस सेवन जो होगा तो थर्टीन जो होगा वो आपका होगा ये आपने याद रखना है वो एडवांस में ऐसा ही होता है जो चीज पहले आ रही है वो चीज पहले सॉल्व करनी होती है यहां पर हमारे पास क्वेश्चन में सिर्फ क्या था हमारे पास डिवीजन था एडिशन थी और सब थी तो आपने यही रूल फॉलो करना है अब जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास मान लो ये क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है ये आपने सॉल्व कर लेने ये स्क्रीनशॉट आप ले लो और खुद आपने ट्राई करना है यहाँ पे ऑप्शन भी दिए हैं ये आपने ट्राई कर लेने ये बोर्ड मार्स के ही क्वेश्चन है स्क्रीन शॉट आपने इनके जरूर ले लेने हैं क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भी एच पी यू द्वारा पूछे जा सकते हैं अब जैसे एक बार एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर सेवन है क्वेश्चन नंबर सेवन में, में मेरे पास क्या दिया है वन प्लस वन डिवाइडेड बाई वन माइनस टू इज इक्वल टू तो आपने बताना है इसकी ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे अब वही बात आ गई यहाँ पर यहाँ पर वही चीज़ आ गई हमारे पास एडिशन है डिवीज़न है सबट्रैक्शन है तब आपको पता होगा इसमें क्या करना है सबसे पहले हम बोर्ड मास में क्या करेंगे डिवीज़न करेंगे वन डिवाइडेड बाई वन तो कितना आएगा ये आएगा आपका कितना आएगा, आएगा, आएगा ये ये आएगा वन प्लस वन डिवाइडेड बाई वन डिवाइड माइनस टू इज इक्वल टू कितना होगा तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे वन प्लस वन को वन से डिवाइड किया तो कितना आ गया वन अब डिवीज़न का जो साइन है वो हो गया मेरे पास ख़त्म अब देखो वन प्लस वन माइनस टू अब आपने बताना है कि बोर्ड मास में पहले एडिशन होती है कि सब्ट्रैक्शन होती है तो आपको पता है बोर्ड मास में पहले एडिशन होती है तो वन प्लस वन कितना होता है वन प्लस वन आपका टू होता है ये आपको पता होगा टू माइनस टू टू माइनस टू टू हो गए प्लस करके माइनस टू तो टू माइनस टू इज इक्वल टू जीरो तो किस ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है तो ये आपने याद रखना है ऐसे क्वेश्चन कई आ सकते हैं मल्टीप्लाई के भी आ सकते हैं आपको बी बोर्ड मास में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑफ का मतलब आपने याद रखना है बी ऑफ का मतलब क्या होता है ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है और एक बात और याद रखनी है आपने कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक चीज़ें हैं वो आपको याद होना चाहिए जैसे द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर विद ज़ीरो स्मॉलेस्ट होल नंबर सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है आपको पता है होल नंबर जो होते हैं वो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं जब किसी भी नंबर को किसी भी संख्या को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है ज़ीरो ही आता है ये आपने याद रखना है कोई भी नंबर एग्जांपल के तौर पर ले लेता हूँ मैंने ले लिया ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाई ज़ीरो तो ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाई ज़ीरो किसी भी नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो ज़ीरो ही आता है ये आपने याद रखना है द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर्स विद स्मॉलेस्ट होल नंबर इज़ इज़ ज़ीरो चाहे जितनी मजी संख्या हो मान लो ये टेन थाउजेंड है टेन थाउजेंड को मैंने जीरो से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया जीरो ही आया तो किसी भी संख्या को जीरो से मल्टीप्लाई करने पर आंसर हमेशा ज़ीरो ही आता है एक और चीज़ बेसिक बेसिक चीज़ें हैं ये भी आपको पता होना चाहिए जैसे किसी भी संख्या को ये आपने स्टार लगा के लिख रहा हूँ ये आपने नोट डाउन कर लेना है ज़ीरो को किसी भी संख्या से ज़ीरो को किसी भी संख्या से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो आंसर मेरा कितना आता है ज़ीरो आता है ये आपने याद रखना है और एक बात और है ये किसको भी स्टार लगा लेना है किसी भी संख्या को अगर मैं ज़ीरो से डिवाइड करता हूँ अब ज़ीरो से डिवाइड कर रहा हूँ तो आंसर जो आता है वो नॉट no डिफाइंड आता है इन आता है ये आपने याद रखना है ज़ीरो किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करने पर जो आंसर आता है वो आपका नॉट no डिफाइंड आता है ये आपने याद रखना है और ज़ीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करने पर क्या आता है ज़ीरो ही आता है प्रोडक्ट ऑफ एन नंबर विद स्मॉलेस्ट होल नंबर इज़ इज़ ज़ीरो ज़ीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है ज़ीरो ही आता है उसके बाद बात करते हैं एंगल्स के बारे में बात करते हैं एंगल से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जैसे एक्यूट एंगल कौन से होते हैं न्यून कौन कौन से होते हैं तो एंगल लेस देन नाइन्टी इज़ कोल्ड तो एक्यूट एंगल तो। ये आपने याद रखना है न्यून कौन जो होते हैं जो नब्बे डिग्री से छोटे होते हैं ये आपने याद रखना है एक्यूट एंगल जिन्हें न्यून कौन कहा जाता है न्यू न्यून कौन जो होते हैं वो नब्बे से नब्बे डिग्री से जो जितने भी छोटे कौन होते हैं उन्हें एक्यूट एंगल कहा जाता है जैसे पच्चीस डिग्री थर्टी फाइव डिग्री फोर्टी डिग्री सिक्सटी डिग्री ऑल आर एक्यूट एंगल्स उसी तरह बात करते हैं राइट एंगल कौन से होते हैं राइट एंगल आपके एंगल ऑफ नाइन्टी नाइन्टी डिग्री के एंगल को हम राइट एंगल कहते हैं सम कोण कहते हैं ये आपने याद रखना है ये साथ में फिगर भी बनी है तो राइट एंगल किसे कहता किसे कहा जाता है नाइन्टी डिग्री के उसी तरह ऑफ्टूज एंगल कौन से होते हैं ऑफ्टीज एंगल जिन्हें हिंदी में अधिक कोण कहा जाता है तो एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑफ ट्यूज़ एंगल इजी जैसे एग्जांपल है 98 डिग्री 130 डिग्री 145 डिग्री 178 डिग्री आल आर ऑल ऑफ्टीज़ एंगल तो आपने याद देखना है ऑफ्टीज़ जो एंगल होते हैं अधिक कोण जो होते हैं वो नब्बे डिग्री से जो ग्रेटर देन होते हैं 90 डिग्री से बड़े होते हैं और 180 डिग्री से छोटे होते हैं उन्हें ओब्टूज़ एंगल कहा जाता है ये आपने याद रखना है इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए नाइन्टी एट डिग्री वन थर्टी डिग्री वन फोटी फाइव डिग्री वन सेवेंटी एट डिग्री तो हमने डिस्कस कर लिया एक्यूट एंगल कौन से होते हैं एक्यूट एंगल जो होते हैं वो आपके न्यून कौन जो होते हैं वो नब्बे डिग्री से छोटे होते हैं राइट एंगल जो है वो किसे कहा जाता है वो नाइन्टी डिग्री को कहा जाता है ओब्टूज एंगल जो है अधिक कोण जो है वो कौन से होते हैं जो एंगल जो कोण नब्बे डिग्री से बड़े होते हैं लेकिन वन एक सौ अस्सी डिग्री से छोटे होते हैं उन्हें ऑप्टूज एंगल कहा जाता है उसके बाद बात करते हैं स्ट्रेट एंगल के बारे में स्ट्रेट एंगल कौन से होते हैं एंगल ऑफ वन एटी डिग्रीज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल ये या आपने याद रखना है एंगल जो होता है वन एट्टी डिग्री का जो एंगल होता है वो स्ट्रेट एंगल होता है रिफ्लेक्सिव एंगल कौन सा होता है एंगल विच इज ग्रेटर देन वन एटी डिग्री एंड लेस देन थ्री सिक्सटी इज नोन एज रिफ्लेक्सिव एंगल तो ये भी इंपॉर्टेंट है रिफ्लेक्सिव एंगल कौन से होते हैं जो वन एटी से बड़े होते हैं लेकिन थ्री सिक्सटी से छोटे होते हैं वो आपके रिफ्लेक्सिव एंगल उन्हें कहा जाता है अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन टू एंगल्स तो ये अब यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये आपने याद रखना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं जब किसी दो एंगल का सम किसी दो एंगल का जो सम होता है वो आपका अगर नाइन्टी डिग्री हो तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बोला है कि कॉम्प्लीमें बोला गया है कि जैसे देन दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ईच अदर एज़ एंग ऑफ़ सिक्सटी एंड थर्टी एंड फोर्टी फाइव एंड फोर्टी फाइव एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ईच अदर ये आपने याद रखना है जैसे मान लो किसी भी दो एंगल्स का जो सम होता है मान लो एंगल ए प्लस एंगल बी जो होता है वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है नाइन्टी डिग्री नाइनटी डिग्री है ठीक है मान लो अब मेरे पास क्या दिया है एंगल ए की वैल्यू दी है एंगल ए की वैल्यू मेरे पास मान लो सिक्सटी दी है एंगल बी निकालना है मैंने एंगल बी निकालना है ये दोनों जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है इन दोनों का सम कितना होगा वो आपका नाइन्टी होगा क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है अब मेरे पास एंगल ए जो है एंगल ए है सिक्सटी डिग्री है बी की निकालनी है वैल्यू तो अब देखो अब मैंने एंगल बी निकालना है इसको मैंने एक तरफ ले आया लेफ्ट हैंड साइड तरफ ले आया अब मैंने एंगल बी निकालना है अब आपने एक बात ध्यान दे लिए यहाँ पे सिक्सटी डिग्री जो है वो प्लस का है अब मैं इसको दूसरी तरफ ले जाऊंगा राइट हैंड साइड की तरफ तो ये प्लस का है तो इस तरफ जाके किसका हो जाएगा इस तरफ जाके ये माइनस का हो जाएगा तो नाइन्टी माइनस सिक्सटी कितना आ गया तो एंगल बी जो आ गया मेरे पास कितना आ गया थर्टी डिग्री जो है वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ गया ये ए और बी जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं जिन जिन दो सम्स का दो एंगल्स का जो सम होता है वो नाइन्टी डिग्री होता है अब जो लास्ट है इस वीडियो का इसके बाद हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में अब सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है सम ऑफ टू एंगल्स इज़ वन एटी दो एंगल्स का जो सम होता है वन एटी होता है देन दीज टू एंगल्स आर कोल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ईच अदर ये बातें आपने याद रखनी है सप्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता है दो एंगल्स का सम जो होता है वो वन एटी होता है ये या आपने याद रखना है मान लो मेरे पास एंगल ए प्लस एंगल वी इज़ इक्वल टू वन एटी है मान लो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू दी है अब यहाँ पे आपने मेरे को बताना है एंगल ए की जो मेरे पास वैल्यू दी है वो दी है वन हंड्रेड टेन डिग्री वन हंड्रेड टेन डिग्री दी है तो आपने एंगल वी निकालना है तो एंगल वी कैसे निकालना है वन हंड्रेड टेन प्लस एंगल वी इज इक्वल टू वन एटी अब यहाँ से एंगल वी कैसे निकाल दूंगा एंगल वी आपका हो जाएगा वन एटी माइनस ये उस तरफ ले गया तो ये हो जाएगा माइनस तो एंगल बी जो आ गया मेरे पास कितनी आ गई वैल्यू एंगल बी आपकी सेवेंटी डिग्री आ गई तो ये आपने याद रखना है तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही आज हमने मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए जो मेनली आपको एच पी यू बी एड एंट्रांस दो हज़ार तेईस के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे क्या क्या हमने डिस्कस किया आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं सप्लीमेंट्री दो एंगल का सम वन एटी हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो उसके बाद हमने बात की राइट एंगल कौन से होते हैं 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल कहा जाता है ऑप्टूज़ एंगल अधिक कोण किसे कहा जाता है जो 90 डिग्री से बड़े होते हैं और एक से छोटे होते हैं एक्यूट एंगल कौन से होते हैं न्यून कौन कौन से होते हैं जो नब्बे डिग्री से छोटे होते हैं और उसके बाद हमने थोड़ा बोर्ड मास के बारे में भी डिस्कस कर लिया कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं और नेचुरल नंबर होल नंबर्स प्राइम नंबर कॉम्पोजिट नंबर ईवन नंबर और नंबर के बारे में हमने थोड़ा डिस्कस लिया तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें अगर आप एच प्यू बी एड एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्ले लिस्ट मांगा है जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आप वहाँ पर जाकर वीडियोज़ देख सकते हो वहाँ पर आपको एच पी यू बी एड एंट्रांस के रिलेटेड फिफ्टी प्लस वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी आपको कैसा लगा कि आज हमने मैथ की ये पहली क्लास ली थी तो आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि इस वीडियो ये वीडियो आपको कैसी लगी आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें तो थैंक यू फ्रेंड्स